महाराष्ट्र से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उत्तरी महाराष्ट्र के नासिक से करीब 25,000 किसान पूर्ण ऋण माफी और अन्य समस्याएं हल करने की मांग के साथ मुंबई तक एक लंबे मार्च पर निकले हैं। ठाणे और पालघर के किसान भी मुंबई जा रहे हैं और ऐसी उम्मीद है कि वह भी बाद में इस मार्च में शामिल होंगे। ऑल इंडिया किसान सभा किसान के इस मोर्चे की अगुवाई कर रहा है। मध्य नासिक के CBS चौक पर किसानों की एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए किसानों के नेता ने घोषणा की कि वह अपने मुद्दे के हल की मांग के लिए मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा का घेराव करेंगे। नासिक से मुंबई की दूरी 180 किलोमीटर है। किसानों ने पूर्ण ऋण माफी और बिजली बिल माफी के अलावा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग की है। AIKS सचिव राजू देसले ने किसानों को संबोधित करने के दौरान कहा कि हम लोग राज्य सरकार से चाहते हैं कि वह सुपर हाईवे और बुलेट ट्रेन जैसी विकास परियोजनाओं के नाम पर कृषि योग्य भूमि का जबरन अधिग्रहण बंद करें। जाहिर है कि देसले ने कहा 25,000 किसान मुंबई तक मार्च करने के लिए मंगलवार से निकल चुके हैं। देसले ने दावा किया कि बीजेपी सरकार द्वारा 34,000 करोड़ रुपए की सशर्त कृषि ऋण माफी की घोषणा के बाद से अब तक 1,753 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।